मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब है, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है, तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। बापू अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो, कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया, इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं, आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है, तिलोगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है, हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है, काहे के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था, बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना, इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ होगा क्लेमेंट नहीं, हम कहाँ के लिए रहेंगे, हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका दिया भी कर रहे हैं, केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था, लेकिन इन लोगों का क्या है,